हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार, मदर इंडिया एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। एंशियंट हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चली हुई है, आज उसको आगे बढ़ाते हुए मौर्य वंश की कुछ विशेषताएं जो हैं उनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमने वैसे तो जो मुख्य क्वेश्चंस और वंश और राजा रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। दवी लिपिय अभिलेख पूछ लिया जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख ऐसा है जो क्या है, दवी लिपिय है। ठीक है, तो दवी लिपिय के अंदर क्या रहेगा कि अशोक का जो दवी लिपिय अभिलेख है ना, वो किसको बोलते हैं, शेर ए चुनार जो अभिलेख रहेगा वो क्या है, दो लिपियों में लिखा हुआ है। किस किस में? अरमाइक और ग्रीक। अरमाइक और ग्रीक के कहाँ से मिलते थे? ये हमें अफगानिस्तान से मिलते थे मित्रों। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, पाकिस्तान से हमें खरोष्टी में और भारत से हमें प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलते थे भाई। इसके बाद नेक्स्ट है शाहबाद और मानसेरा अभिलेख। शाहबाद और मानसेरा अभिलेख है, ये इसकी लिपि कौन सी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि के अंदर ये लिखा हुआ पाकिस्तान से मिला था। तक्षशिला अभिलेख, तक्षशिला अब भी पाकिस्तान के अंदर है और ये भी खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, कश्मीर में श्रीनगर शहर जो है वो किसने बसाया था, वो सम्राट अशोक ने बसाया था भाई। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और आगे चल के जो पुष्यमित्र सूंग आएगा ना, वो इनको सभी को एक बार तो क्या करवा देगा, नष्ट भी करवा देगा। 232 ईसा पूर्व किसकी, अशोक की मृत्यु हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, और अशोक और इसके मतलब पौत्र, इसका पौत्र था दशरथ, इन दोनों ने मिलकर किस किस चीज़ की, एक तो बराबर की पहाड़ियों में ना आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। देखिए, सबसे पहले इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म का संस्थापक था, इसके बाद इसका पिता बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का, तो उन्हीं के लिए क्या बनवाई थी, गुफाएं बनवा दी थी। इसके बाद अशोक जो है जो कि बौद्ध धर्म को मानता है और श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में प्रचार और प्रसार के लिए भेजते हैं, बौद्ध धर्म के लिए भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ था भाई। कौन था? बृहद्रथ। मैं बताता हूँ, बृहद्रथ ने ही किसकी, मगध साम्राज्य की स्थापना करी थी भाई। ठीक है, और बृहद्रथ ही किसका, मगध साम्राज्य का कह लो या फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये क्या करता है, अपने मतलब जैसे पूर्वज कौन थे, अशोक, अशोक की तरह से क्या कर लेता, धम्म का रास्ता अपना लेता है। पुष्यमित्र सूंग जो था वो इसका सेनापति होता था, विदेशी आक्रमण होने वाले थे, उसने बोल दिया कि किसको बोल दिया कि बृहद्रथ को बोल दिया कि भाई अपने ऊपर आक्रमण होने वाले हैं, लेकिन वो कहता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। कौन कहता है ये बात? बृहद्रथ। किसको कहता है? इसके सेनापति पुष्यमित्र, पुष्यमित्र सूंग को कहता है। तो पुष्यमित्र सूंग जो है ना वो अपना राज धर्म निभाता है और किसकी, बृहद्रथ की हत्या कर देता है, और उसके बाद क्या करेगा, वो सूंग वंश की स्थापना करता है भाई। ठीक है, तो ये आपको बता दिया है। इससे आगे चलेंगे हम, सात शतम थे भाई किसके, अशोक के, जिनके अंदर से एक कौन सा था, प्रयाग प्रशस्ति सुना होगा, हरिसेन ने लिखा था भाई। ठीक है, गुप्त वंश का था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इसी लेख को है ना, मतलब किसके अंदर, इस लेख को बाद में मतलब है ना किसके, अशोक के लेख के ऊपर मतलब अंकित किया गया। और ये जो है अकबर राज में जहांगीर इसको कहाँ से लेकर आया था, कहाँ लेके चला गया था भाई, इलाहाबाद के किले के अंदर लेके गया और वहाँ पे इसको लगवा दिया। और हमें पूछ लिया जाता है कि हमारा जो प्रयाग लेख है या प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, इसके अंदर समुद्रगुप्त और जहांगीर की जानकारी मिलती है। उस समय राज किसका था, अकबर का था। लेकर कौन आता है, जहांगीर लेकर आता है। और अकबर उसके अंदर किसके बारे में अंकित करवाता है, जहांगीर के बारे में भी जानकारी लिखवाता है। फिर दिल्ली टोपरा अभिलेख है भाई, दिल्ली टोपरा अभिलेख को कौन, फिरोज शाह तुगलक, कहाँ लेकर गया था ये, मतलब इसको दिल्ली ले गया था भाई। और 1837 में जेम्स प्रिंस ने इसको क्या किया था, पढ़ने का कार्य किया था। एक दिल्ली मेरठ अभिलेख जो था उसको भी कौन, फिरोज शाह तुगलक, कहाँ, दिल्ली लेकर जाता है भाई। लोरिया अरिराज, लोरिया अरिराज या लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख भी रहा है, ये कहाँ पर, बिहार में। और सबसे बड़ा शतम अभिलेख रहेगा, ये कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा शतम अभिलेख रहेगा। पूछ लिया जाता है कि अशोक का सबसे बड़ा शतम लेख कौन सा है, तो लोरिया नंदनगढ़ या लोरिया अरेराज रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद रामपुरवा, रामपुरवा और राम, ये रामपुरा
रामपुरवा और रामपुरा दोनों ही बिहार के अंदर हैं। इनके अंदर ये देखिए अभिलेख तो हैं लेकिन इनके अंदर लिखा हुआ कुछ नहीं, क्या इनके अंदर चित्र है? रामपुरवा के अंदर किसका है भाई? वरीसक का चित्र है भाई, और रामपुरा के अंदर किसका है? सिंह चित्र है। पूछ लिया जाता कौन से अभिलेख ऐसे हैं अशोक के जिनके अंदर लेख नहीं है केवल चित्र है, या किसके अंदर वरीसक का चित्र या इसके अंदर सिंह चित्र है भाई, ठीक है। इसके बाद लघु अभिलेख कितने थे भाई अशोक के? 13 थे। एक मैं बात करता हूँ सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ पर? एमपी के अंदर रहा है भाई, ठीक है, एमपी संगभेद में। और इसके बाद हम बात करते हैं सारनाथ, सारनाथ का भाई इसके अंदर से हमने सारनाथ का जो इस इनका मतलब सतमदाह अभिलेख था वहाँ से हमने राष्ट्रीय चिन्ह लिया है। इसके अंदर 32 ताड़ियाँ होती थी जिसके अंदर से हमने कितनी 24 तिल्लियों वाला चक्कर लिया भाई, ठीक है। 24 तिल्लियों का मतलब प्रत्येक तिल्ली एक घंटे को रिप्रेजेंट करती है, और इसके अंदर है ना चार सिर हैं भाई, कितने हैं? चार सिर हैं, लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं? 3 देते हैं। यदि पूछ लिए जाते हैं अशोक स्तंभ के अंदर यानी कि सारनाथ के स्तंभ के अंदर कितने शेर हैं तो 4 लिखेंगे, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? हमें 3 देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है ना 4 पशुओं का वर्णन भी है, और ये एक मतलब जैसे आपने सुना भी होगा कि 4 पशुओं के नाम कैसे याद रखोगे? हेलो के नाम से याद रख लो, एच से हॉर्स हो जाएगा, ई से एलिफेंट हो जाएगा, एल से लोयन हो जाएगा, और ओ से ओक्स हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद भरहुत स्तूप भी मतलब क्या है अशोक का रहेगा, गुहा लेख है जिसकी जो लिपि है वो कौन सी रहेगी भाई? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि रहेगी। बराबर की गुफाएं हैं, सुदामा गुफाएं हैं, करण गुफाएं हैं, झोपड़ी गुफाएं हैं, इनका निर्माण भी किसने करवाया था भाई? अशोक ने करवाया था और दशरथ ने करवाया था, और ये मौर्य वंश के अंदर ही मतलब इनकी स्थापना हुई थी भाई। इसके अलावा इनके साम्राज्य के बारे में जानकारी कर लेते हैं। अमात्य यहाँ पर प्रधानमंत्री को बोलते थे, और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अमात्य कौन होता है? उस समय में अमात्य चाणक्य था। इसके अलावा बिंदुसार के समय में कौन होता है? बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री या अमात्य किसे कहते थे भाई? ये राधागुप्त, और दो थे भाई, एक तो राधागुप्त था, एक विक्रम भट्ट था। और अशोक के समय में कौन रहेगा सम्राट? अशोक के समय भी राधागुप्त ही प्रधानमंत्री या अमात्य का काम करता भाई। इसके अलावा तीर्थ उच्च शीर्ष अधिकारी को यहाँ पर तीर्थ बोलते थे। सेनापति भाई सैन्य अधिकारी जो होता था उसको मतलब क्या बोलते थे? सेनापति बोलते थे। और इसकी 4 सेनाएं होती थी भाई, एक तो पैदल सेना होती थी, उसके बाद में रथ सेना होती थी, तीसरे नंबर पे हाथी सेना होती थी, नंबर 4 पे घोड़ों की सेना मतलब घोड़े घुड़सवार वाले जो होते हैं वो होती थी भाई, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास आपको पता होगा 6 लाख की सेना थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको सेंड्रोकस कहा जाता है, और एंड्रोकस इसीलिए कहा जाता है कि उसने 6 लाख सैनिकों के साथ क्या किया था? पूरे भारत को रौंद के रख दिया था भाई, ठीक है। न्याय कौन करता था? राजा, क्योंकि राजा ही सबसे सीरियस होता था भाई मौर्य वंश में, ठीक है। और ये 2 प्रकार के न्याय होते थे, एक होता था दीवानी, दीवानी नाम से जो न्याय होता था ये किससे संबंधित था? जमीन से संबंधित कोई भी विवाद होता था उसको दीवानी, और फौजदारी कौन सा? चोरी वगैरह से संबंधित जो भी था ना उसको क्या बोलते थे? फौजदारी, या कंटक शोधन भी कह सकते थे भाई, ठीक है। इसके अलावा गुप्तचर विभाग जो था, जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था उसको गुड पुरुष बोलते थे। क्या बोलते थे? गुड पुरुष। इस समय में 2 प्रकार के क्या होते थे भाई ये गुप्तचर होते थे, एक तो होते थे संचार, संचार वाले जो घूम घूम कर जानकारियां प्राप्त करते थे राज्य के बारे में, और एक होते थे संस्था यानी कि एक ही जगह रहकर मतलब क्या करते थे गुप्तचर मतलब उसकी जानकारी प्राप्त करते थे भाई गुप्त चीजों की। इसके अलावा मौर्य प्रशासन जो है वो 5 भागों में बटा हुआ था भाई, उत्तरापंत यानी तक्षशिला वाला जो हिस्सा था उसको उत्तरापंत बोलते थे, श्रवणगिरी साइड का जो था उसको दक्षिणापंत बोलते थे, पाटलिपुत्र यानी बिहार वाला जो मतलब पटना वाला क्षेत्र है उसको पूर्वी बोलते थे, उज्जयिनी वाले को मतलब जैसे अवंती, और कलिंग यानी कि तोसली वाले को बोलते थे। इसके अलावा भाई मैं और भी कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं, जैसे गांव का जैसे ग्राम कह सकते हो या गांव, उसका जो मतलब मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहते थे, और 10 गांव से मिलकर क्या बनता था? एक गोप बनता था भाई, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जैसे जो राज्य होते थे
तो इसके अंदर मतलब है ना, पांच राज्यों के अंदर एक राज्यपाल होता था, पांच राज्यों के अंदर क्या होता था, एक राज्यपाल होता था। और राजा बनने से पहले किसकी जरूरत होती थी, राज्यपाल बनने की जरूरत होती थी, जैसे कि सुसीम कहाँ का था भाई, तक्षशिला का, और अशोक जो था वो कहाँ का था, अवंती का, मतलब राज्यपाल होता था भाई, ठीक है। इसके अलावा चाणक्य के मुताबिक जो समाज था वो कितने भागों में डिवाइड कर रखा था, चार के अंदर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य के अंदर, ठीक है। लेकिन इंडिका के अंदर मेघनीज ने इसको कितने भागों में डिवाइड किया है, इसको सात भागों में डिवाइड किया है भाई, जैसे दार्शनिक, अहीर, निरीक्षक है, इसके अलावा कारीगर है, और कारीगर कह सकते हो, किसान है, सैनिक है, और सभासद वगैरह। इसके अलावा नारियों की स्थिति में यहाँ पर आते आते क्या हो गया था भाई, सुधार हो गया था। और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, अर्थव्यवस्था से पहले एक बात और कि दास प्रथा, दास प्रथा का वर्णन मतलब है ना, मेघ सतनीज तो कहता है कि यहाँ पर मतलब दास प्रथा थी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब क्या थी, उस समय दास प्रथा होती थी, लेकिन इतनी नरम होती थी कि वहाँ पर मतलब जो दास प्रथा थी उसको देखते हुए इनको लगा कि यहाँ पर कोई दास प्रथा है ही नहीं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था भाई, अर्थव्यवस्था कृषि के दो प्रकार के कर होते थे भाई, क्या होते थे, दो प्रकार के कर होते थे, कौन कौन से, एक बटे छः और एक बटे चार, दो प्रकार के कर होते थे भाई। एक उपदा परीक्षण होता था भाई, उपदा परीक्षण जिसको बोलते हैं ईमानदारी का, और इसका परीक्षण कौन लेता था भाई, चाणक्य इसका परीक्षण लेता था भाई, ठीक है। टैक्स होता था भाई, टैक्स को यहाँ पर बलीकर कहते थे, क्या कहते थे, बलीकर कहते थे। एक मैंने आपको यहाँ पर बताया राजस्व मंत्री है, ये बलीकर भी इकट्ठा करते थे भाई, ठीक है, जिसको समाहरिता भी बोलते, क्या बोलते हैं, समाहरिता बोलते हैं भाई, ठीक है। राजकीय कोषाध्यक्ष मतलब शनिदाता को बोलते थे, सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि का जो ब्यौरा रखते हैं उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे, और जो राजकीय भूमि होती थी ना इसको सीता भूमि भी कहा जाता था भाई, ठीक है। और यदि मौर्य काल में यदि कोई क्या करता था, टैक्स की चोरी करता था ना, तो इसके लिए मृत्युदंड ही मतलब क्या होता था, अंतिम परिणाम होता था भाई, ठीक है। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रकार के थे, यानी कि बाहर के देशों के साथ भी क्या होता था, व्यापार होता था, जैसे सूती वस्त्र वगैरह है उनका हो गया, मुद्रा से संबंधित मतलब जैसे क्या था, मुद्रा का प्रयोग किया जाता था किसके अंदर, व्यापार के अंदर, जैसे पहले तो वस्तु विनिमय होती थी लेकिन यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग किया जाता था भाई, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि मतलब वो दाई से बाई ओर लिखी जाती है, यानी उर्दू, ठीक है ना, बाई से दाई ओर, लेकिन हमारी जो ब्राह्मी लिपि है यानी हिंदी वगैरह जैसे वो बाई से दाई ओर लिखी जाती है, इस प्रकार से आपको मतलब ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम राजा यहाँ का कौन था, बृहद्रथ था भाई, ये मैंने आपको बता दिया है। और बृहद्रथ को कौन पुष्यमित्र सुंग मार के क्या करेगा भाई, सुंग वंश की स्थापना कर देता है भाई, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स जो मौर्य वंश है, मौर्य साम्राज्य है, उसकी मतलब ये लास्ट वीडियो थी। इससे आगे हम जो करेंगे ना वो पुष्यमित्र सुंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।